हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmassnews.com। YouTube पर देखने के लिए टाइप करें kmassnews। आइए देखते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना काल में कोटेदार एक योद्धा की भांति अपने कार्यों को और सरकार की महत्वपूर्ण खाद्यान्न योजना को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोटेदारों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम देखने को नहीं मिल रहा है। कोटेदारों का कहना है कि गांव में शहर से लोग आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में मशीन से राशन वितरण का कार्य काफ़ी क्षतिपूर्ण साबित हो सकता है। कोटेदारों ने अपनी मांग रखते हुए उप जिलाधिकारी फूलपुर से राशन वितरण मशीन से ना कराकर रजिस्टर पर ही कराने की मांग किया, लेकिन कोटेदारों को उनकी सुरक्षा को लेकर कोई संतोषजनक संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। अगर नहीं आता है किसी भी मशीन मांग में से 10-20-50 लोग ऐसे होंगे जिसका नहीं चल रहा होगा, उनके लिए वैकल्पिक रास्ता बिना मशीन से कैसे हो सकता है वो कराया जाएगा। एक चीज़